भोपाल में राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का 4 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप गुरुवार से शुरू हो गया है। 4 दिनों तक भोपाल के पीपल्स ऑडिटोरियम से देशभर से आए मुसलमानों को राष्ट्रवाद की विचार से रूबरू कराया जाएगा। आरएसएस के मुस्लिम मंच के इस अभ्यास वर्ग में देश भर के करीब 500 मुस्लिम युवा इस्लामिक धर्म गुरु स्कॉलर्स मौलाना और उलेमा शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक इंद्रेश कुमार कर रहे हैं। 4 दिनों तक चलने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुस्लिम समाज में भी फैली कुरीतियों, जनसंख्या नियंत्रण, एक देश एक कानून, भारतीय संस्कृति जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। जो हमेशा हमारे मंच के चलते चले आ रहे हैं वो उसी को आगे, उसी की श्रेणी में आगे करते हुए इस बार थोड़ा सा बड़ा अभ्यास वर्ग है। इसमें कार्यकर्ताओं को कैसे आगे चलना है, देश में कैसे एकता अखंडता भाईचारे के लिए चलना, देश को हमारे वो कैसे करना है, देश में कैसे सबकी तरक्की खुशहाली, और इनके लिए ऐसा अभ्यास वर्ग हमारे चलते आ रहे हैं। अभ्यास वर्ग तो लगातार चलता रहता है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया का ये हिस्सा है। वर्ग जो जुड़ा हुआ है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से, उनको ऐसी तरबियत देना, ऐसा अभ्यास दिलाना कि लोगों की खिदमत कैसे की जाए,